हेलो एंड वेलकम दोस्तों। भाई दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त ये पता ही नहीं चलता। वेल हम बात कर रहे हैं बिग बॉस के घर की, जहां पर रूबीना के कट्टर दुश्मन बने राहुल वैद्य अब उनके लिए गाने गा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ आपको बताते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, ताकि आपको मिल सके सारी लेटेस्ट गॉसिप एंड अपडेट। तो दोस्तों, बिग बॉस का घर कुछ इस तरह का घर है जहाँ पर आपके अपने पराए हो जाते हैं और पराए अपने, नोकझोंक चलती रहती है, गुस्सा झगड़ा ये सब चीज़ें लगातार चलती रहती है। ऐसे में आपको बता दें कि घर में एक दूसरे को नापसंद करने वाले दो शख्स यानी कि रूबीना दिलेक और राहुल वैद्य अब दोस्त बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जहां पर राहुल वैद्य ने उनके लिए काफ़ी रोमांटिक सा गाना गाया और अली ने कहा कि ये तो अभिनव की तरफ से राहुल आपके लिए गा रहा है। जी हाँ, राहुल ने एक गाना रूबीना को डेडिकेट किया, वो भी उनके नाम को इंक्लूड कर। जी हाँ, ये तस्वीर देख कर तो बिग बॉस के फैंस और रूबीना के फैंस हैरान ही रह गए कि भाई ऐसा कैसे हो गया, जब रूबीना के लिए राहुल ने अपनी आवाज़ में गाने गाए। और ये होना भी मुमकिन था क्योंकि घर के अंदर अब कुल मिलाकर 4 से 5 सदस्य बच गए हैं। इसमें रूबीना दिलेक और राहुल वैद्य जो कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, वो अब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने को राजी हैं। वेल, इस बॉन्ड को देखकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन।